वेलकम टू सारा का किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन भुना स्पेशल। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है एकदम फ्रेश। इसे अच्छे से वॉश करके कुकर में 4 चम्मच ऑयल हम लोग ऐड करेंगे और उसमें हम 5 से 4 कटी हुई प्याज इसमें हम लोग ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मसाले लिए हैं, प्याज भी लगभग आधा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका मटन का पानी सूख ना जाए। उसके बाद ही इसमें हमें मसाला ऐड करना है। ये देखिए, ये मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, सूखा मिर्च है, हरी मिर्च है, कुछ गरम मसाले हैं, तेज़पत्ते हैं। इन सबको हम इसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च है और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे कुकर को और 4 से 5 सीटी आने तक फुल फ्लेम में पकाएंगे। ये देखिए, अब मैंने कुकर खोल करके आपको दिखा रही हूँ, ये गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और इसका तेल ऊपर आ जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मटन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।